गाइज वीडियो वहीं से स्टार्ट कर दी है जहाँ से लास्ट किया था। तो यहाँ पे गाइज बता दूँ कि ये नदी है यमुना नदी, और यहाँ पे हम सब बच्चे लोग को ले आए थे। और गाइज मैं बता दूँ, यहीं पे ही सामने जो भोलेनाथ की मूर्ति है ये मोक्षधाम है। तो इसके बाद फिर चलिए मामा जी के घर। गाइस देख सकते हो हम गांव में पहुंच चुके हैं, मतलब जहाँ पे था कैनी का गांव है गाइस। हाँ कैनी का गांव है, नहीं तो बिछड़ चुका है बिल्कुल सिटी से ही। चलो देख सकते हो दोनों ने कहाँ पहुंच गए हैं। सॉरी नहीं और इसको देखो। तो यहाँ पे मैं मम्मी को हाथ पकड़ के ही लेके आऊँ क्योंकि मम्मी से उतनी अच्छी तरह से नहीं चला जाता है। मैं साइल से आ रही हूँ। आया वो गरी हाँ। जैसे ही मेरी मामा जी की बेटी को मालूम हुआ वैसे ही वो हमें लेने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मामा जी मिल गए थे जिनके बेटे की शादी है, मम्मी से मिले थे। और इसके बाद यहाँ पे मामा जी के बेटे की बहू हैं, उन्होंने सब ने मतलब पैर छूना शुरू कर दिया। ये मामी है जो कि इन्हीं के बेटे की शादी है, और ये मामा जी का घर है गाइस। तो सभी गांव में जितनी भी मेरी मामियां हैं वो सभी आ गई थी, मम्मी की फैमिली की, चाचा ताऊ की, मम्मी की जितनी भी मतलब पूरा परिवार है ना वो सभी लोग आ गए थे। तो गाइस बहुत अच्छा लगा। और मैं तो एक चीज़ मैंने देखी गाइस, गांव में क्या होता है कि प्रेम बहुत होता है, गाँव में सभी लोग प्रेम बहुत करते हैं। स्टार्ट जहाँ से घर होता ना वहीं से सब लोग है ना आपके है ना पैर छूने लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो भांजी हूँ गाइस और हमारे यहाँ तो बहन भांजियों को बहुत मानते हैं। और यहाँ पे मेरे मामा जी के बेटे की बहू भी पैर, और सबसे बड़ी बात ये गाइस कि यहाँ पे मेरे मामा जी के बेटों के मतलब बच्चे जो कि है ना मेरे मतलब छोटे छोटे हैं और वो भी इतना प्यार करते हैं, नाम से ही सब जानते हैं कि शारदा बुआ है। और यहाँ पे मौसी मतलब बैठी हुई है मेरे पास में जिनकी बेटे की शादी में। आपने मामा जी के घर यहाँ पे बैठी मौसी, मामा जी की बेटियाँ, भाभी बैठी हैं, ये तो आपने देखी होगी। तो गाइस यहाँ पे ये मेरी मामी है जिनके हम शादी में, और इनके ये बीच वाले बेटे हैं। और यहाँ पे ही लेके आगे खड़ा कर दिया है उन्होंने कि दीदी ना वीडियो बना रही है तुम्हारी, तो इस तरह से कह रहे हैं अपनी मम्मी से। और यहाँ पे ये भाभी हैं, इन्हीं की वाइफ हैं जो अभी खड़े हुए। इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि फिर काफ़ी देर बैठ हुए थे, चाय पानी हो गया था, और तो उसके बाद मामा जी वगैरह बोल रहे थे कि खाना खा लो। फिर मैंने कहा मामा जी अभी आती हूँ। तो यहाँ पे मैं लव, सुरभि और लवानसी और डॉलू ये बच्चे सब ऊपर ही खेल रहे थे, तो काफ़ी बड़ा घर है तो बच्चे आराम से ऊपर ही आ गए थे। तो यहाँ फिर मैं उन्हें लेने आई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मामा जी का घर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे बैठे हुए हैं, और ये मेरे से मना कर रहे थे कि हम नहीं खाना खाने जा रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ, तो यहाँ पे गाइज ये ऊपर का पोर्शन है, तो वो मैंने सोचा कि चलो देखें कैसा। और गाइज मैं बता दूँ कि गाँव का आपको पता ही है व्यू कितना बढ़िया आता है, और मामा जी के घर घर के पास में ही है ना नदी है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। तो ये तो मकान खैर मामा जी का, इसको बने हुए भी टाइम हो गया, लेकिन जो अंदर गांव में ना वो तो पूरी गाइस हवेली है, जो पहले हवेली टाइप की होती हैं। बस ये है कि थोड़ा अंदर पड़ता है ना तो जाने में थोड़ी वो जाने में थोड़ा आलस्य मैं कर गई, नहीं तो काफ़ी देर लग जाती है वहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ना चूड़ी वाले चूड़ी पहना रहे हैं, तो मेरे को आवाज़ दे रही थी, इधर ही म्यूज़िक चल रहा है गाइस तो मैंने वॉइस ओवर, और इधर मुझे आवाज़ दे रही नीचे से मामी कि चूड़ी पहन जाओ लाली, चूड़ी पहन जाओ। तो मैंने कही मामी आप पहनो। और गाइस गांव में आज भी शादी ब्याहों में घर पे ही चूड़ी वालों को बुलाते हैं, तो सभी लोगों ने पहनी थी यहाँ पर। मैं क्या रख लूं अपने जेब में? ये नया वाला जो अब बहू आएगी ना उसका है रूम, है उसका है कि उनका है? अरे ऊपर वाली चाची रहती है, ऊपर वाली चाची रहती है इस पोर्शन में। चलो
इस वाले पोर्शन में रहता होंगी तुम? नहीं, इसमें। और ये जी मैं ऐसे ही खाली। अच्छा खाली है ये, मुझे लगा। गाइस आपको चीज दिखाता हूँ, ये गोल्फ कोर्ट देख सकते हो, गोल्फ कोर्ट और पीछे नदी, ये पूरा गोल्फ कोर्ट इधर से उधर तक। और देखो गाइस एक चीज दिखाओ, देखो स्विमिंग पूल नहीं, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, किधर? वो स्विमिंग पूल है उधर, मतलब इतनी बड़ी नदी में डुबकी नहीं मार सकते इसमें। तो गाइस देखो मामा जी घर से दिखती है, और जो पुराना वाला घर है ना वो है, वो तो मस्त है गाइस, वहाँ है नजदीक है, मतलब कहीं नहीं आज तक, अंदर है। थक जाएंगे जाने में। मैं क्या कह सकता कि शहर में स्विमिंग पूल नहीं है, सिटी में स्विमिंग पूल नहीं है, देखो गांव में। कोई कह सकता है इसके बाद गांव में? ये माँ देखिए वहाँ पे खाना हो रहा है, कितने सारे बैठे हैं लोग, वहाँ पे खाना हो रहा है, सब लोग खा रहे हैं। और बस जैसे ही खाना खाने के लिए गए तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली मामी आ गई थी, तो उन्होंने भी पैर छुए, और यहाँ पे फिर वो लव के छूने आई, तो मैंने कहा नहीं लव के नहीं छुएंगी आप, लव आपके छुएगा क्योंकि आप तो नानी लगती हैं। तो यहाँ पे गाइस मामा जी की बहू हैं और मैं, मामा जी की बेटी हैं, सब खाना खाने आ गए क्योंकि मामा जी कह रहे थे कि तुम पहले खा लो फिर उसके बाद में ना। तो यहाँ पे गाइस हम लोग बैठ जाएंगे, और यहाँ पे मामा जी बोल रहे हैं तो बैठ गए मामा जी, दुआ दूसरी दावत हो ना तो भिजवा देना। और यहाँ पे जो खाने को परस रहे थे, जिन्होंने पत्तल लगाई थी, उनको मामा जी डांट रहे थे कि तुमने पहले पत्तल लगा दिए, पहले रोल तो बिछाया नहीं था, टेबल खराब लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मामा जी, सब चलता है। तो ये है मेरे मामा जी के बड़े बेटे, जो कि इनका रूम इसी साइड है, और इनकी जो बीबी है ना उनसे मिलाऊंगी मैं अभी। इस साइड में किचन में ले चलती गाइस मामा जी किचन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मामा जी किचन है, मंदिर है, और ये किचन है मामा जी की, और इधर थोड़ी सी जगह मामा जी ने मतलब गाय पशुओं के हिसाब से रखी है, ताकि उनके जो बच्चे हैं नाती हैं उनके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ पे ये दूध वाले भैया भी ले जाते हैं दूध, और मतलब अपने घर के लिए भी रोक लेते हैं। तो इस तरह से गांव में तो आपको पता है गाइस कि सब लोग रखते हैं गाय भैंस, तो सभी लोग रखते हैं क्योंकि वो तो शुद्ध खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मतलब थोड़ी सी जगह मामा जी ने रोक के रखी है, तो इस तरह से मतलब उन जो पशु हैं वो बांध देते हैं। और यहाँ पे ये मेरे मामा जी के छोटे बेटे हैं जिसकी शादी है, तो आप तीनों बेटे से मिल चुके हैं, और इनकी तो अभी वाइफ आएगी। और यहाँ पे ये जो बड़े भैया थे ना मामा जी के बेटे, तो ये उनकी वाइफ है, और पीछे वो खड़ी हुई है बेटी है उनकी। तो इस तरह से बहुत सुंदर फैमिली है मेरे मामा जी की। तो यहाँ पे ये लोग तैयार हो रहे हैं, तो भाभी बोल रही थी कि नहीं तुम अंदर आ जाओ, हम लोग तैयार हो चुके। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, फिर हम लोग मैंने कहा कि अब आई तो गाइज़ मैंने सबके फ़ोटो लिए थे, क्योंकि पहले मौसियाँ गए थे ना। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि मौसी जी के यहाँ आए तो सभी लोग थे, लेकिन मिला नहीं पाई थी मैं आपको, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मौका मिला है तो ज़रूर मिलाना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, तो इस साइड भी रूम है, इस साइड भी रूम है, दोनों साइड रूम है, तो काफ़ी बड़े बड़े रूम है गाइस। और अच्छा मामा जी का मकान काफ़ी अच्छा बन रहा है, और गांव के हिसाब से उन्होंने मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। तो यहाँ पे गाइस अब तो गांव तो केवल नाम के रह गए गाइस, और यहाँ पे ये वही मेरे मामा जी के बेटे हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे गाइस देख के थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और मैंने कहा तू तो उधर आता भी नहीं है, कि बस दीदी ऐसे ही आना नहीं हो पाता है। तो बस ये बात सही है गाइस कि जब फैमिली हो जाती है भाई बहनों की, तो नहीं इतना टाइम होता है। तो यहाँ पे गाइस ये चूड़ी वाली अभी पहना ही रहे हैं, और गाइस मैं बताऊँ कि और गाइस ये बहुत मतलब जल्दी आए थे और बहुत लेट गए थे, सभी लोगों ने मतलब चूड़ियाँ पहनी थी वहाँ पे, सब लोगों ने। मामी ना, जो मामी है, जो भी मामी है, जो मामी की बहन है, जो मामी है, वो तो उनको उनकी तो नजर हो गया मौसी की भी हो गई।
वीडियो में सबकी बता दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरी मामी बैठी है, मामी की बहन है, तो इस तरह से गाइस मौसी है, मम्मी है। तो मम्मी हमारे साथ ही आई है, हमारे साथ ही जाएंगी क्योंकि मम्मी की दवा चल रही है, तो इसलिए मम्मी रुकेंगी नहीं। वैसे मम्मी यहाँ रुक जाती तो यहाँ पे भाभी तैयार होके आ गई हैं, बड़े वाले भैया हैं जो मामा जी के बेटे, तो वो सबके पैर छू रही हैं गाइस। तो इस तरह ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पीछे का नदी दिख रही है गाइस वहाँ से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मामा जी के, ये सारे खेत मामा जी के थे गाइस। लेकिन है ना, फैमिली बड़ी होती जाती है तो फिर ये सारे खेत निकाल दिए, ये सारे वहाँ तक। और जिधर वहाँ पे गए थे ना गाइस, हम नदी के वहाँ उधर गए थे ना, वहाँ भी हमारे मामा जी के खेत थे। लेकिन जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ना बंटवारा हो जाता है। तो अभी मेरे मामा जी का जिनके यहाँ शादी हो रही है उनका एक ये घर है, पांच मामा जी हैं मेरे, जो कि पाँचों मामा जी ये मतलब तीन मामा जी यहाँ रहते हैं, दो मामा जी एक अर्जुन नगर रहते हैं और एक अजीत नगर में रहते हैं, मतलब आगरा में उधर साइड में दो रहते हैं। तो जो यहाँ रहते हैं गाइस तीन मामा जी, एक ये मकान है, एक उधर है और उधर भी ये मकान। चल और यहाँ पे गाइस मेरी मौसी के बेटे बैठे हुए हैं और मेरी मौसी हैं, मम्मी हैं। और गाइस मैं तो इसी जगह पे मेरी नानी का भी मतलब पलंग था, पलंग क्या चारपाई जो होती ना गाँव में, पलंग टाइप की वो थी, नानी यहीं पर मुझे बैठी मिलती थी जब भी हम आते थे। और इसके बाद चले गए थे मेरे जो बड़े मामा जी हैं उनके बेटे के घर। तो अब तो मामा जी के बेटे बेटे बेटों का भी घर हो गया है, मतलब सबका अलग अलग ही हो गया है। तो यहाँ पे गए हम लोग आ गए थे इधर और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी भाभी हमें देखकर। ये देखिए इस तरह से, तो वो लोग भी जाने के लिए तैयारी हो रहे थे तो देखकर एकदम खुश हो गए। ऐसी कोई बात ना, तो गाइस जी हमारी भाभी हैं। मेरे साथ में आ जा। तो ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मामा जी के बेटे के बच्चे। यहाँ पे भी भाभी ने ना चाय बनवाने रख दी थी तुरंत। मैंने कहा नहीं भाभी हम लोग खाना खा के हैं, मत बनाओ, क्यों परेशान हो रहे, कि नहीं नहीं तुम क्या बार बार आती हो। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि एक खास बात ये है कि यहाँ पे दूध रखा होगा बाल्टी में, तो जो पशु है ना सबने रखे हैं अपने घर में, एक एक दो दो पशु, तो अपने लिए भी हो जाता है उसमें से, मतलब दे भी देते हैं, जो दूध वालों को भी दे देते हैं, अपने लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे मामा जी के बेटे की बहू हैं जिनकी गवर्नमेंट सर्विस है गाइस, टीचर हैं ये। और ये भी मेरे मामा जी के बेटे की बहू हैं जो कि मुझसे बोल रही थी गाइस कि दीदी हम आपकी वीडियो देखते हैं। और उन्होंने तो गाइज मैं बताऊं कि वीडियो में देखकर ही मुझे पहचान लिया था, जो ग्रीन वाली साड़ी पहनी हुई है, बोल रही थी कि दीदी हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप हमें जानती नहीं हम आपको जानते हैं। तो इस तरह से गाइज बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग अब तक तो सभी लोग आना जाना शुरू हो गया था रिश्तेदारों का। तो इस तरह से ये देखिए, अभी तो आपको मेरे बहुत लोगों से मिलाना है मेरे को, तो यहाँ पे लव ये देखिए इस तरह से गाइस। और बस एक ये हो गया था गाइस, इसके बाद है ना बारिश, मतलब बारिश हल्के हल्के बादल ख़राब हो रहे थे, मतलब मौसम ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे लपसुर भी डांस करें। और ये पूरा सामने का पोर्शन है मामा जी के घर का, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब से तो मेरे को पता नहीं था लब के पापा भी सब लोगों के साथ ही थे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ के बैठ गई थी लब के पापा को देख के, और यहाँ सुरभि और ये लवानसी की थी वगैरह डांस कर रहे थे। तो फिर तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मेरे मामा जी के मामा जी की बेटी हैं जो कि अर्जुन नगर में रहते हैं मामा जी, और ये बीना भाभी हैं, तो ये भी अर्जुन नगर में ही रहते हैं। और ये सीमा दीदी हैं जो कि टूंडला साइड में रहती हैं, तो मामा जी की बेटी हैं ये। और पीछे जो दीदी खड़ी हुई हैं वो भी मामा जी की मतलब बेटियाँ बड़ी हैं, कमलेश दीदी हैं। ये देखिए ये कमलेश दीदी हैं जो कि आगरा में ही हैं। और ये मौसी हैं, राजा मंडी वाली मौसी हैं। तो आज आपको अपनी सभी मतलब मामा जी की साइड की सभी फैमिली से मिला दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पे दीदी मेरे से बातें कर रही हैं, तो वही बहुत अच्छी दीदी है गाइज। मेरा तो ये समझो कि जो बचपन है ना, जो भी छुट्टियाँ होती थी
तो अर्जुन नगर में मामा जी के यहाँ ही बीतती थी। तो दीदी बहुत प्यार करती थी सुनीता दीदी। भाभी वगैरह भैया वगैरह आ गए थे और यहाँ पे मेरे मामा मौसी की बेटियाँ भी आ गई थी। ये भी मेरी राजामंडी वाली मौसी हैं, उनकी बेटियाँ हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ, पीछे भी आपने देखा है रीना है, ये लक्ष्मी है। तो गाइस यहाँ पे मजाकबाजी भी हो रही है। ये मेरे मौसी के बेटे की बहू है, सबसे बड़ी वाली जो मौसी है मेरी। तो यहाँ पे ये भाभी है। तो गाइस बहुत मजाकबाजी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये है कि बैकग्राउंड का मैं आपको म्यूजिक चल रहा है तो मैं सब नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से गाइस भाभियाँ बहुत अच्छी भाभियाँ मेरी गाइस, मामा जी की, मौसी की, सभी जो बेटे की बहू हैं बहुत बेस्ट हैं गाइस मेरी भाभियाँ। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छी फैमिली है मेरे मायके की। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि इस समय लगुन सगाई का प्रोग्राम नीचे था, लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी, बादल हो रहे थे, तो सब लोग है ना ऊपर वाले पोर्शन में जो सगाई लगुन वाले आ चुके हैं, तो इनका नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये लोग है ना ऊपर वाले पोर्शन में अब लगुन सगाई चढ़ाएंगे गाइस। और इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि लाइट भी चली गई थी और लाइट भी फिर उसके बाद व्यवस्था थी लाइट की। तो फिर क्या हुआ गाइस, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि पूरा मामा जी का घर ही मतलब पूरे सभी रिश्तेदार सब मामा जी के घर में ही, वो तो इतना बड़ा घर था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे ये मेरे मामा जी के बेटे हैं जो कि पुलिस में हैं। तो सभी लोग है ना रूम में हो गए थे। और यहाँ मेरी मौसी जी हैं कलश लेके जो जा रही हैं ऊपर लगुन सगाई होगी। और यहाँ पे मामी हैं, ये सबसे बड़ी वाली मामी है गाइस, ये मेरी मामी हैं लेकिन मामी नहीं, ये मेरी नानी से भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मुझे हमें बहुत प्यार किया, मम्मी को, भैया को, मेरे को बहुत प्यार किया हम जब। और इसके बाद बारिश वगैरह का भी हो गई थी गाइस। और फिर है ना लबके पापा ने बोला कि हमें तो धौलपुर जाना है, और हमने फिर मम्मी को लवानसी को घर छोड़ा था और उसके बाद फिर हम आ गए थे धौलपुर गाइस। तो गाइस बस यही कहूँगी कैसी लगी मेरे मामा जी की फैमिली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।